बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम गड्डी खड़ करी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी ज़बरदस्त फिट फाट और लाइफ को एंजॉय करते हुए अभी मैं राइड ड्रॉप करने के लिए आया हुआ था। पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी है उसके अंदर, तो राइड ड्रॉप करके जैसे निकला हूँ तो मुझे एक होटल जो है वो नज़र आया। भूख भी लगी हुई थी, सोचा वहाँ से खाना खा लें, तो आज वहाँ से खाते हैं खाना और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि आज हमने डिनर में क्या खाया। ये एक साइड जो है वो उबड़ खाबड़ है, उसके लिए पीछे से शोर आएगा तो इग्नोर कीजिएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जैसे ही राइड ड्रॉप की है, क्योंकि इस होटल के बैक साइड के ऊपर राइड का घर था तो वहाँ पे ड्रॉप करके वापस मैं होटल पे आया हूँ, तो क्लोजिंग ज़ोर शोर से जारी थी। तो भाई से रिक्वेस्ट की थी मैंने कि यार एक पीस बना दो, तो कहने लगे यार ये लास्ट ऑर्डर है, उसके बाद सब कुछ क्लोज है, अंदर भी सब क्लोज कर दिया है। तो ऑर्डर भाई को एक लेग पीस का दे दिया है, एक चेस्ट पीस का दिया है, और ये हमारा वाला चेस्ट पीस जो है वो लग रहा है। कारीगर भाई से, उस्ताद जी से मेरी बात हुई, तो कुदरती बात यह है कि ये भी सादकाबाद में काम कर चुके हैं कैफे सजावल पे। आज से 14 साल पहले ये कैफे सजावल पे काम कर चुके हैं। तो यहाँ पे भाई से पूछते हैं कि क्या क्या है और किस किस रेट पे है। ताजी अपना पीस लाते हैं, ताजी वीडियो में ये दसो अपने को की है तो की रेट है। देखो सर, रेशमी कबाब, चिकन कबाब, बीफ कबाब, मलाई बोटी, लेग चेस्ट, चिकन टिक्का, चिकन कबाब विद प्राइस, बीफ कबाब, लेग पीस 220, टिक्का बोटी 120, चिकन कबाब 100 रुपया, बीफ कबाब 100, मलाई बोटी 170। तो लोकेशन शेयर करो, आप कितने खड़े हैं? कुकिंग भाई की बहुत अच्छी है, मैंने पीस टेस्ट किया है और जायका भी बहुत अच्छा है। एक नॉर्मल जो पीस होता है टेस्ट लाइक वैसा ही है, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इसके अंदर कुछ स्पाइसेस नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इसका कोई टेस्ट नहीं है या कोई ख़ास चीज़ नहीं है। एक नॉर्मल जो एक एवरेज चीज़ होती है वही है, इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि एक्सपेक्ट करना चाहिए ऐसे एरियाज के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है वो आपके भाई ने खा लिया है, और पानी जो है वो क्योंकि होटल बंद हो गया था तो ज़बरदस्ती लगवाया था उनसे एक पीस, तो अब चलेगी डाइट कोक, डाइट पीऊँ मैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। मेरी पत्नी कहती है कोक नहीं पीनी, बोतल कोई नहीं पीनी, मुझसे वादा करें। यकीन माने वादा करके वादा कई दफ़ा मैं तोड़ चुका हूँ। बेगम आई एम सॉरी। क्या 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 मरना तेरे को डर नहीं लगता? उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नहीं इंशाल्लाह ताला रोजाना एक नई वीडियो के साथ, एक नई रूटीन के साथ आप लोगों, नई रूटीन तो नहीं होगी क्योंकि मेरी जो रूटीन है वो थोड़ी सी बोरिंग हो चुकी है, लेकिन बोरिंग भी नहीं होती, समटाइम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि मैं उबर क्रीम और इन ड्राइवर पे गाड़ी चला रहा हूँ,
तो डिफरेंट टाइप्स के पीपल्स के साथ मेरी मुलाकात होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोगों को मैं उनकी मंजिलों ये कोक का असर है मंजिलों कैसा लगा मेरा मजाक मंजिलों तक पहुंचाता हूं। तो बहुत सारे लोगों के साथ गपशप होती है, दोस्ती हो जाती है, नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं और प्राइवेट जो राइड्स हैं वो भी उनके साथ बस सिलसिला ऐसा बन जाता है। आपका रिलेशन जो है वो लोगों के साथ जुड़ता है, कड़ी से कड़ी जुड़ती है और फिर आगे से आगे आप प्राइवेट राइड्स भी उठाना स्टार्ट कर देती हो। ऐसे ऐसे जब आपका ट्रस्ट डिवेल्प होता है तो फिर आप उनके साथ जा सकते हो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, क्योंकि लाहौर एक बहुत बड़ा सिटी है। यहाँ पे मैं बहुत जल्द किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करता। जब भी मैं कहीं जाता हूँ उस बंदे की मुकम्मल डिटेल लेके अपने एक दोस्त को शेयर करता हूँ, देन मैं प्राइवेट राइड के साथ जाता हूँ। और लाइव लोकेशन मैं अपनी पत्नी को भी सेंड करता हूँ और उसको भी सेंड करता हूँ, मेरा प्यारा भाई, मेरा दोस्त, जिगरी यार है, उसको भी सेंड करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि आजकल हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। इसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दें, इस टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह ताला एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज सिर्फ और सिर्फ मैंने आज से दोबारा वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी हैं। ये छोटी मोटी हल्की फुल्की गपशप अगेन आप लोगों के साथ कर रहा हूं। एक तो बड़ी से बड़ी चीज़ ये है कि कंपनीज की वजह से थोड़े से हालात अल्हम्दुलिल्लाह कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर डामाडोल हुए थे। और एक ना हेजिटेशन थी जब भी कोई वीडियो बना के डालूं नीचे से नेगेटिव कमेंट्स। तो कल अल्लाह पाक मेरी वालदा को सेहतयाबी और सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, उनका साया हमारे सर पे कायम रखे। सब लिखो कमेंट सेक्शन में आमीन। मामा ठंडिया छावा, हमने बड़ा तंग किया लेकिन माँ ने कभी उफ तक नहीं किया। अच्छा जी, तो अम्मी ने कहा पुत्र जो मर्जी हो जाए तू अपना यूट्यूब चैनल जोड़ा है ना फिर शुरू कर ला मेरे पुत्र, अल्लाह पाक तेन कामयाब करे, वीडियोस बनाया कर, दोबारा थोड़ा तेरा दिल भी लगे रहा करेगा तो यूट्यूब चैनल जोड़ा ना वो भी ग्रो कर जाएगा। मैं कह ची इंशाल्लाह अम्मा। आज सिस्टर का मैसेज आया, तुम वीडियोस क्यों नहीं बनाते ये वो, तुम बनाया करो, जहाँ भी जाते हो, जो भी खाते हो, जो भी पीते हो, अपनी चीज़ें जो है वो शेयर किया करो। तो मैंने कहा यार अब दो बंदे हो गए हैं जो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, जो मेरी इंस्पिरेशन बने हुए हैं, तो क्यों ना आज से अभी थोड़ी देर पहले मेरी सिस्टर का मुझे मैसेज आया था। मैंने कहा चलो अब मैं राइड ड्रॉप करने जा रहा हूँ, राइड ड्रॉप करके ना इंशाल्लाह आज से दोबारा मैं वीडियोज़ वगैरह जो है वो स्टार्ट करूँगा। ये चार मिनट दी थी यही वीडियो होगी, ऐसी की वीडियो बनानी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, कल से इंशाल्लाह तआला रूटीन से मिलते हैं।